الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم शाम जो रोए तिला वो शाम खौफोइंते हां वो आहटों की दहशत वो डूबती परछाइयां तीरो तबर का बच्चियों का कारवां फैला हुआ वो दूर तक लाशों पर दस्ते बेअमां फैला हुआ سفر شام جس کا آغاز مدینہ نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے دس محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں آپ بے پناہ بہادر اور شجاع تھے حسین مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے غفلت سے آنکھیں کھولیے لٹتا ہے کنبہ جاگیے اٹھتے ہیں شولے دیکھیے جلتا ہے خیمہ جاگیے اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے آپ خیمے سے باہر آتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے فوراً سلام کرتے ہیں جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا کہا کہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے باغوں کا رخ موڑا گیا خیمے اتروائے گئے قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج غروب ہو گیا تاریکی شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے صحرا میں بے آب و گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں
उनके दिलों को तसल्ली और ढारस देती हैं। और अब इस लुटे हुए काफिले की सिपासालार भी जनाब ज़ैनब हैं। आपने जिस अज़्म रासिख, जज्बा, ईसार, ज़ौक़े जहाद, सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा किया, उसकी तारीख इस्लाम में कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। आपने हुसैन इब्ने अली के अजीम मकसद में भरपूर साथ दिया और शरीकतुल हुसैन कहलाई। 11 मुहर्रम की वो सुबह थी जब अहले बैत को कूफा जाने का हुक्म मिला। करबला से कूफा का फासिला 56 मील का है। ये फासिला बहुत सूरत से तय किया गया और रिवायत के मुताबिक काफिला 11 मुहर्रम की शाम को कूफा पहुंच गया था। मस्जिद हनाना कूफा की कदीम मसाजिद में से एक है और यहीं पर शोहदा के सरहाए अकदस रखे गए थे और अहले बैत ने यहां कयाम किया था और यहां से इब्ने जियाद के दरबार में ले जाया गया, जिसे कसरे दारुल अमारा कहा जाता है। असर को आरास्ता किया गया और हर खास आम को शिरकत की इजाजत थी। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि अमीर पर एक खारिजी ने खुरूज किया है, इसके मुकाबले में हुकूमत को कामयाबी हुई है, आज उसके अहलो अयाल को गिरफ्तार करके कूफा लाया गया है। बाजार कूफा से कसर तक लोगों का अजदहाम था। फतह के नक्कारों पर चोट पड़ रही थी जब अहले बैत को इब्ने जियाद के सामने पेश किया गया तो उसने जनाब ज़ैनब से मुखातिब होकर कहा कि सुनती हो, ये मेरी फतह के शादियाने हैं, ये मेरी फतह का ऐलान है। शादियाने खामोश हुए। अजान की आवाज गूंजी। आपने कहा, जरा गौर से सुन इन अल्फाज को, ये मेरे भाई की फतह का ऐलान है। शादियाने बंद हो जाएंगे लेकिन ये अजान ता कयामत गूंजती रहेगी और मेरे भाई की हक्कानियत और उसूल पसंदी की याद दिलाती रहेगी। उसने जनाब ज़ैनब से मुखातिब होकर कहा कि खुदा ने तुम्हारे भाई को कत्ल किया और तुम्हें रुस्वा किया और तुम्हारे दावे और झूठ को आशिकार कर दिया। जनाब ज़ैनब ने उस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया, शुक्र है खुदा का जिसने हमको बुजुर्गी और करामत अता फरमाई। अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पाक किया और हमको हर नजासत तो नापाकी से जो हक पाक करने का था पाक किया, और अनकरीब फासिक रुस्वा और जलील होगा और फाजिर झूठा है। इब्ने जियाद ने कहा, तुमने देखा कि खुदा ने तुम्हारे भाई हुसैन से क्या सुलूक किया? जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि मैंने सिवाय नेकी और खैर के और कोई चीज खुदा की जानिब से नहीं देखी। हम अहले बैत के लिए अल्लाह ने शहादत मुकद्दम फरमाई, वो लड़े और शहीद हो गए। तुझे एक दिन खुदा के सामने जवाब देना होगा, उस दिन के लिए तैयार हो जा। अफसोस, तू आर्जी कुव्वत और इख्तदार के नशे में चूर है। तेरी ये हुकूमत और सल्तनत दुनिया जायल होने वाली चीज है। हुसैनी इनकलाब ने कूफे के इस कसर को रहती दुनिया तक के लिए जमीन बोस कर दिया जो आज हमारी नजरों के सामने है। जनाब ज़ैनब के कूफे में इस खुतबे के बाद लोगों को हकीकत का इल्म हुआ। दरअसल ये कैदी बागी नहीं बल्कि अहले बैत रसूल हैं। इब्ने जियाद को कूफे में बगावत का खतरा महसूस हुआ तो उसने काफिले को जल्द अज जल्द शाम रवाना कर दिया।